नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। बिहार सरकार के कार्यालयों या सरकारी बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतल व प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं होगा। विमोचन समारोह में किताब या रिपोर्टर को प्लास्टिक से बांधने की परंपरा भी खत्म होगी। 1 जुलाई 2022 से सूबे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाए जाने के लिए बाद इसको प्रभावी बनाने को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक में सरकारी विभागों को मॉडल बनकर आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक के लिए वैकल्पिक सामग्रियों को कागज, कपड़ा, पतल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इसको लेकर शहरी निकायों में विकल्प वाली उद्योगों की इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह के स्तर पर स्टील कटरी बैग की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीडी न्यूज़। धन्यवाद।